ये क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मिसबाह के? यू हैव सेवन ओवर्स, सेवन ओपनर्स ड्राफ्ट में जब आपने पिक किया होगा तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि आप किस किस्म का लाइनअप जो है वो पिक करें। तो आप इसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए पांच और छह के ऊपर ऑप्शन नहीं थी आपके पास, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं उसके स्कोर्स के ऊपर कि उसने कितने रन्स किए, क्योंकि सारे पाकिस्तान के जितने प्लेयर हैं वो ओपनर खेलना चाहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में या नंबर तीन पे खेलते हैं। अब क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा रन्स होते हैं तो प्रेशर ही आता है जी उसको खिलाओ। इस मरतबा टी ट्वेंटी में जब सिलेक्शन हुई है मेरे पास, जब वहाँ न्यूजीलैंड के अंदर छः ओपनर थे, वो पहले दो ओपनर रिजवान और बाबर, ये दो ऐसे दो ओपनर हैं जो तीन साल से खेल रहे हैं, फ़खर को पहले नंबर तीन पे ले आए हैं, तो आप कैसे बाकी तीन ओपनर्स को एडजस्ट करेंगे? लेकिन ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। इट टुक मी अबाउट टू मंथ्स टू कन्विंस बाबर आजम कि आपको ये पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा, और यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज़ डूइंग इट, क्योंकि आप यू आर अ ग्रेट प्लेयर, यू आर अ वंडरफुल प्लेयर और आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की टीम डेवलप करनी है। यू एंड रिजवान आर वेरी गुड प्लेयर्स, एक्सेलेंट प्लेयर्स, लेकिन आप पूरी टीम नहीं है। वी नीड टू डेवलप अ टीम एंड फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू कम एट नंबर थ्री बिकॉज यू प्लेइंग दिस रोल इन अ ODI क्रिकेट फ्रॉम द लास्ट सिक्स ईयर्स। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेक्निकली यू आर वेरी सॉलिड। थैंक यू वेरी मच टू हिम कि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और वो पाकिस्तान के लिए नंबर तीन पे खेले, विच ऑब्वियसली आई थिंक इज द बेस्ट वे टू मूव कि वो नंबर तीन पे खेले। लेकिन अगर आप किसी भी फ्रेंचाइज की बात करेंगे, आपको मोस्टली जो प्लेयर परफॉर्मर नज़र आएंगे वो ओपनर है या नंबर तीन है, क्योंकि नंबर पाँच और छः के इम्पैक्ट के ऊपर को खेलने नहीं चाहता बिकॉज वी टेक मिलता ना उनकी परफॉर्मेंसेज उस तरह नहीं, उसमें नंबर्स नहीं गिने जाएंगे, उसमें इम्पैक्ट गिना जाएगा कि नंबर पाँच, नंबर छः, नंबर सात पे कौन प्लेयर कितना इम्पैक्ट डालता है। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी एवरेज शायद वैसी नहीं होगी क्योंकि उसको पाँच या छः मैचों में किसी एक में मौका मिलेगा, इसीलिए उसको परफॉर्मेंस का मौका भी कम है, बट वो ओवरऑल वो मैच कितने जीतता है, अगर सात मैच हैं, अगर एक या दो मैच वो इम्पैक्ट डालता है तो आई थिंक ही इज गुड टू गो फॉर हिज रोल।